जय श्री राम। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। राम भक्त हनुमान आपकी बाधाओं को दूर करें, आपको सौभाग्य दें और आपका कल्याण हो। तो तुला राशि वालों, राशिफल जानने से पहले चलिए आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा और आज का पंचांग देखते हैं। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और योग सौभाग्य बन रहा है। आज का शुभ मुहूर्त 11:49 से 12:39 तक रहने वाला है। आज का अशुभ राहु काल 7:32 से 9:06 तक रहेगा। तो तुला राशि वालों, पूरब दिशा में किया गया आज कोई भी काम सफल होगा। तुला राशि वाले, आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और सौभाग्य योग में आपकी कुंडली पर चंद्र, सूर्य और शुक्र का प्रबल प्रभाव देखने को मिलेगा। आज शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र बृहस्पति और मंगल का साथ छोड़कर आपके 12th हाउस में गोचर करने लगेंगे, जो कि आपका द्वादश भाव है। द्वादश का शुक्र शुभ फलदायक होता है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले, आज आप ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे। आज उचित और अनुचित में आप भेद करेंगे। आज आप सोचेंगे कि हम क्या सही किए क्या गलत किए। आज आप पार्टनरशिप में कोई भी काम ना करें। पार्टनरशिप में किया गया कोई भी काम आज आपको हानि देगा। आज आप पढ़ाई लिखाई, नौकरी या व्यापार में सबसे आगे रहने की कोशिश करेंगे। आज आप परिश्रम पर विश्वास करेंगे और सफलता भी पाएंगे। फिर भी अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं तो राशिफल के अंत में दिए हुए उपाय को आप जरूर करें। तो तुला राशि वालों, जो स्टूडेंट हैं, आज आप अपने सुखद जीवन के लिए परिश्रम करेंगे, सफलता भी पाएंगे, पर विवाह के बाद आपका जीवन सुखी होगा। आज आप थोड़ा मनोरंजन भी करेंगे, आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आज आप अच्छे बुरे में अंतर भी समझेंगे और ऐसे मित्रों से दूर रहेंगे जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं। तुला राशि वाले, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। 9 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आपको नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ फल लेकर आने वाला है। आप जल्दीबाजी ना करें, जीवन का सुख आपको जल्दी मिलेगा। लाभ का भी योग है, आप परिश्रम करते रहें, परिणाम आपके फेवर में आएगा। तुला राशि वाले, आज आपका लव लाइफ थोड़ा बाधाओं से सामना करना पड़ेगा। आज आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, स्त्रियों का सम्मान करें, आपका प्रयास जीवन को सुखद बना देगा। आज आप जो भी करेंगे उसके बारे में पहले सोच विचार कर लें। आज पति पत्नी के बीच विश्वास कायम होगा। पत्नी के भाग से आज आपका बिगड़ा काम बनेगा, लक्ष्मी की कृपा होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तुला राशि वाले, जो नौकरी करते हैं जल्दीबाजी में आज कोई काम नहीं करें, नहीं तो हानि का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि शुक्र का राशि परिवर्तन जो बृहस्पति और मंगल बुध को छोड़कर द्वादश भाव में गए हैं, इसलिए आज कोई भी जल्दीबाजी ना करें, वरना लाभ के जगह आज आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तुला राशि वाले व्यापारी, आज आपका व्यापार अच्छा चलेगा, पर बुरे लोगों से दोस्ती ना करें। आज आप धन भी कमाएंगे और भविष्य के लिए आशावादी भी होंगे, पर आप आज बुरे लोगों से थोड़ा बच के रहें। तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ रही हैं तो आज के लिए एक छोटा सा उपाय आप करें। आप किसी मंदिर में जाकर महादेव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल, पुष्प और भस्म चढ़ाएं। आप भस्म चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। उसके पश्चात नंदी की पूजा करें, नंदी को
भस्म, फूल और अक्षत चढ़ाएं और साथ में नंदी के कान में अपनी बाधाओं को बोलें, उनके कान में अपने दुख अपने दर्द को बताएं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, महादेव आपको सौभाग्य देंगे, लक्ष्मी की कृपा होगी और आपका आने वाला दिन बहुत सुंदर होगा। तुला राशि वालों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम रोज़ आपके लिए आपका राशिफल लेकर आते हैं। तुला राशि वालों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। हरिओम।